तसमिलहमान रहीम प्यारे दोस्तों आज हम बात करते हैं पश्तून तफ़ुज मोमेंट के मुतलिक यानी पशतूनों के जितने भी मसाइल हैं उसके तहफ़ के लिए जो एक तहरीक चली है एक मोमेंट चली है उसके मतलब हम आज मुख्तसर बात करते हैं पश्तून तहफुज महमेंट के सरबरा मंजूर पश्न का कहना है कि ग्यारह अक्टूबर को हम तमाम पशतूनों को इकट्ठा करेंगे एक सलाह मशवरा करेंगे उसमें अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे जब हमें हल मिला उस हम उस हल पे यानी उस फैसले पे हम अमल करेंगे कि वो हमारे मुस्तबिल का फैसला करेगी उस फैसले पे हम एम्प्लीमेंट करेंगे उस फैसले पे हम अमल करेंगे अब ये देखना होगा कि ये लोग किस तरह अपना फैसला करते हैं और इसके क्या क्या मुतालबात हैं इनके कौन कौन से मुतालबात हैं जो ये हकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे और हकूत वक्त के सामने अपने मुतालबात रखेंगे इनके मोटे मोटे पॉइंट हम आपसे डिस्कस करते हैं कि पश्तून तफुज मोमेंट के इस जरगे में जो 11 अक्टूबर को होने वाला है इसमें कौन कौन से मुतालबात होंगे सबसे पहले पश्तून अपने इलाकों में अमन चाहते हैं पश्तून इलाकों में हम अमन चाहते हैं हम पे जो जुल्म हो रहा है रियासत की इदारों की जानब से खास करके फौज के जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं बलुचतान और केपिके में हम उनका मजम्मत करते हैं और इनको फिलफोर बंद करना चाहते हैं कि हमारे इलाकों में न कोई दहशतगर्दी है यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं उनका कहना है कि ये मसनू दहशतगर्दी है इन्होंने खुद ये फिज़ा बनाई हुई है उन्होंने ये माहौल बनाया हुआ है ये इसलिए उन्होंने ये माहौल बनाया है सिक्योरिटी इदारों ने उनका साफ साफ कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने ये फिज़ा इस वजह से बनाया है ये ऑपरेशन का अमल इस वजह से शुरू किया है कि वहाँ की जितने भी वसायल हैं उनको लूटने का ये बेहतरीन जरिया है दहशत गर्दों को ख़त्म करने के बहाने पर वहाँ पर आते हैं सेटल होते हैं उसके बाद वहाँ की जितने भी वसायल हैं कोयला हो तांबा हो गैस हो क्रोमाइट हो संगी मरमर जितने भी वसाइल हमें कुदरत ने दिए हैं उनको लूटने का बेहतरीन जरिया इन्होंने देश गर्दी का बना बहाना बनाया हुआ है